चीज से खत्म हो जाएगा, कालाधन खत्म हो जाएगा। जब कालाधन होता है तो ही देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखा भाव बढ़ता है, क्योंकि वो बेईमानी करके, षड्यंत्र करके, हेराफेरी करके कुछ लोग जो सारे देश की संपत्ति को लूट लेते हैं, और वही कालाधन होता है। तो कालाधन जब होगा ही नहीं तो देश के अंदर भूख, दरिद्रता, अभाव, बेरोजगारी, ये चीजें नहीं होंगी। सबको समान रूप से देश के संसाधन और संपत्ति पर अधिकार मिल जाएगा। नकली करेंसी, आतंकवाद, सारी चीजें एक चीज से खत्म हो सकती है। तो भ्रष्ट और बेईमान नेता, भ्रष्ट और बेईमान ब्यूरोक्रेट्स इस चीज को नहीं होने देना चाहते। तो पूरे देश को संगठित करके भाजपा अभियान के माध्यम से हम इस काम को करना चाहते हैं। और पांचवी बात, गांव को केंद्र में रखकर के योजनाएं बने। मैंने इसका एक मूल्यांकन किया कि गांव को केंद्र में रखकर योजनाएं बने, गांव में जल प्रबंधन ठीक हो, किसान को अच्छा खाद मिले, ऑर्गेनिक खाद मिले, उसको अच्छा बीज मिले, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उसको बिजली मिले, वो इतनी चीजें मिल जाए गाँव को, अच्छी थोड़ी चलने के लिए थोड़ी सड़क हो जाए, उसके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल हो जाए, तो ये गाँव तो हमारी सड़क बन जाए। मैंने कुल मूल्यांकन किया कि ये 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगाते हैं तो भी देश को 18,20,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें से 6,20,000 करोड़ रुपए देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हम मानने कि जितने भी सरकारी नौकर हैं, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, इन सबको हम पैसे देते हैं। एक बात याद रखना, इस लोकतंत्र में ये जो शासक हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सब के सब जो है ये हमारे मालिक नहीं है, ये हमारे नौकर हैं सबके सब, ये हमारे सेवक है। मालिक इस देश की प्रजा होती है लोकतंत्र में, और हम हमारे पैसे पर ये सब नौकरी करते हैं। एक कलेक्टर हो, डीसी हो, एक प्राइम मिनिस्टर हो, या जो है प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के डीसी, कलेक्टर से लेकर के तमाम, ये जो जिनसे हम थर थर कांपते हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, ये हमारे सेवक। मालिक इस देश की प्रजा हम लोग, ये देश के लोगों को समझने के लिए होता है। मैं कह रहा हूं उस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने 6,20,000 करोड़, करीब 7,00,000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं हर साल। वो खर्च भी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी करीब 12,00,000 करोड़ रुपए बचे। 12,00,000 करोड़ को यदि हम हिंदुस्तान के 600 जिलों में बांटे और 6,38,365 गांव के अनुसार उसको बांटे, तो एक गांव के हिस्से में अनुमानित यदि हम 600 जिलों को गिनते हैं तो एक जिले के हिस्से में जो है 2,000 करोड़ रुपए, एक गांव के हिस्से में 3,33,00,000 रुपए, और एक जिले के हिस्से में पांच वर्ष में हम यदि गिने तो एक गांव को एक वर्ष में 3,33,00,000 एक गांव, और एक गांव को पांच वर्ष में, एक पंचवर्षीय योजना होती है, एक बार जब भी कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है तो पांच वर्ष में एक गांव को 16,65,00,000 रुपए मिलेंगे, और एक जिले को करीब 10,000 करोड़ रुपए। तो जिले और गांव को केंद्र में रखे योजना बनाए, तो एक गांव में एक अच्छा विद्यालय, वहां पर एक उद्योग, और एक जिले के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक परिसर, और वहां पर इतनी नौकरी मिलेगी लोगों को, इतने उत्पादन हमारे देश का बढ़ जाएगा। 600 जिलों में 600 तो हमारी ऐसी यूनिट बनेंगे कि पूरी दुनिया को हम माल सप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने आजादी से पहले 18वीं शताब्दी तक हमारा जो एक्सपोर्ट था 33% था, वापस वहां जा सकते हैं, तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश हम बन सकते हैं। गांव को केंद्र में रखकर की योजनाएं बने। एक गांव को आप सोचिए, 5 वर्ष में 16,65,00,000 रुपए मिलेगा, एक गांव को 16 करोड़ रुपए मिले तो गांव क्या दरिद्र रहेगा? ये तो अभी की योजनाएं बता रहा हूं, जो शीर्ष बैंकों में जो भ्रष्ट बेईमान लोगों ने जो 72,80,000 करोड़ रुपए जमा कर रखा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वो पैसा भी वापस लाना है, ये भी भाजपा अभियान के अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार करके लूट के लेके गए उसको वापस लाना, जो मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंपा है इसके ऊपर भी कानून बनाना कि उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, मल्टीनेशनल ने जितना धन लूटा है देश का और आगे से लूटने नहीं दे रहा, उसके लिए कानून बनाना, मृत्युदंड का विधान बनाना। ये हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा अभियान, और देश के लोगों को समझना चाहिए कि हम ये कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपराध नहीं कर रहे। अब बगावत विद्रोह करना हमारा मकसद नहीं है, हमें पूरी आजादी से जीने का हक, देश में पूरे आत्मसम्मान के साथ हमें जीने का अधिकार है, पूरी सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है हमको। हमको न्याय चाहिए और हमको अव्यवस्था नहीं चाहिए, हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें परदेशी तंत्र नहीं चाहिए, हमें विदेशी तंत्र नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, अपने देश की व्यवस्थाएं हो, अपने देश का शासन हो, यह उद्देश्य भारत अभियान का। अब इसका विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने बातें कही, यदि ऐसा भारत बन जाए तो भारत सर्व बन जाए, और ऐसा भारत को सर्व बनाना है और अपने आंखों के सामने बनाना, यही मकसद है हमारा। अब इस अभियान को लेकर के बहुत से प्रश्न भी लोगों के मनों में पैदा हो सकते हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। पहली बात,
यदि आपको लगता है कि भारत स्वाभिमान का आंदोलन उचित है, जायज है, देशहित में है और ऐसा हमको करना ही चाहिए, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, तो आपको मूल नहीं लेना चाहिए, उदासीन नहीं रहना चाहिए, आपको इस संगठन में खड़े होना चाहिए, साथ में आना चाहिए, संगठित होना चाहिए कि इन स्वामी रामदेव के दिल का दर्द नहीं, उसी की पीड़ा नहीं, मेरी भी पीड़ा है, मेरा भी संकल्प है, मेरा भी अभियान। तो भारत स्वाभिमान पूरे भारत का अभियान, पूरे भारत का आंदोलन है और इसके लिए मुझे पूरी शक्ति लगानी है, पूरी ऊर्जा मुझे इस काम के लिए लगानी है। तो भारत स्वाभिमान का यह आंदोलन और इस आंदोलन को लेकर के मैंने कहा कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का भी हमको समाधान देना। पहली बात मैंने कहा, वो लोग आए जो देश से प्यार करते हैं और देश की सेवा को अपना धर्म, अपना फर्ज मानते हैं। जैसे हमारे अपने पूजा पाठ की पद्धतियां हमारे लिए उनका महत्व है, ऐसे ही मेरे लिए सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा मेरे लिए धर्म, मेरे लिए मेरा राष्ट्र धर्म। तो वे लोग जिनमें कोई लालच नहीं है, सत्ता और संपत्ति की कोई भूख नहीं है, जो निस्वार्थ भाव से इस देश को ऊंचा देखना चाहते हैं, वो हमारे साथ खड़े हो। परंतु यदि आवश्यकता पड़े, हमने कहा कि पहले हम जो सत्ताएं हैं, जो शासन चला रहे हैं, उनसे हम इन व्यवस्थाओं के भारतीयकरण, स्वदेशीकरण के लिए और देशहित में कानून बनाने के लिए, टैक्स सिस्टम से लेकर के बड़े नोटों की छपाई से लेकर के गांव को केंद्र में रखकर के योजना बनाने के लेकर के संपूर्ण संकल्पना को हम चाहेंगे कि देश का शासन इस व्यवस्था को ठीक बनाए। लेकिन यदि शासन ने इन व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं बनाया और नहीं चलाया और देशहित में सही कानूनों को नहीं बनाया और राष्ट्रहित में इस अंग्रेजी तंत्र का, इस परदेशी व्यवस्था का भारतीयकरण और स्वदेशीकरण नहीं किया, तो हो सकता है हमको इन सत्ताओं को भी बदलना पड़े, उसके लिए संगठित होना पड़ेगा। बहुत से लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी पूरी फिलॉसफी, हमारा दर्शन, मान्यताएं, हमारी सिद्धांत, नीतियां, लक्ष्य किसी एक राजनीतिक पार्टी से मिलती है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, हमारी ये मान्यताएं, आइडियोलॉजी, हमारा दर्शन किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं मिलता, ये सारा जो हमारा अभियान है वो भारत के लोगों के हित में है, किसी एक राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए जो भी लोग देश के हित में सोचते हैं, भारतीय जनता के हित में सोचते हैं, वे लोग इस देश के हित में जो सोचते हैं वो इस आंदोलन से जुड़े। बहुत से लोग ये भी मन में प्रश्न उठता होगा कि बाबा अभी तक तो तू ठीक बात कर रहा है, जो तेरे से प्यार करते हैं, तुझे सत्ताओं पर बैठना ही नहीं, तू कहता है कि चरित्रवान अच्छे लोग, ईमानदार लोग देश की सत्ताओं पर बैठे, तेरे ही चेले, तेरे ही संगठन से जुड़े हुए लोग, भारत स्वाभिमान के साथ ही जुड़े हुए लोग, यदि वही बेईमान हो गए, वही भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा उनके लिए भी वही, जो भी भ्रष्ट है, जो भी बेईमान है, जो भी अपराधी, उसको मृत्युदंड होना चाहिए। तो वो भारत स्वाभिमान का सदस्य हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो या आम नागरिक हो, यदि वो गलत कर रहा है, जो भी भ्रष्ट है, जो भी बेईमान है, जो भी अपराधी है, उसको इस देश में जीने का अधिकार है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि देश के करोड़ों लोगों के लिए की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है तो उसको खत्म कर देना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने अनेक जन्मों की पुण्य आत्माओं को इस समय जन्म दिया है जब भारत में बहुत जरूरत है एक बहुत बड़े आंदोलन की, और वो सब संगठित होकर के जब इस योगपीठ के इस आंदोलन से, भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक नया भारत बना पाएंगे और हम इसकी एक एक गांव में एक एक योग शिक्षक तैयार करना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान का प्रतिनिधि वो बन करके आ गया है और फिर वो दूसरों को गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के, द्वार द्वार जाकर के, घर घर और द्वार द्वार, एक एक व्यक्ति के पास हम जाकर के भारत स्वाभिमान के आंदोलन के बारे में बताएंगे, देश के लोगों को जगाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश के लोग जागेंगे और हम सच्चे अर्थों में भारत को संपूर्ण आजादी दिला पाएंगे और व्यवस्थाओं का भारतीयकरण, स्वदेशीकरण कर पाएंगे। हम शहीदों के सपनों का भारत बना पाएंगे, जो सपने देखे थे आजाद भारत के, कि भारत आजाद और स्वतंत्र हो जाएगा तब भारत की व्यवस्था और नीतियां कैसी होंगी, वो जो सपने चंद्रशेखर आजाद ने देखे, वो जो सपने भगत सिंह ने देखे, वो जो सपने पूज्य बापू ने देखे, वो जो सपने जो है हमारे तमाम क्रांति वीरों, महापुरुषों ने देखे थे, मर्यादाओं और आदर्शों पर, मूल्यों पर चलने वाला हम देश बना पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि तमाम देशभक्ति इस आंदोलन से जुड़ेंगे, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और देश नहीं रहा तो हम में से कोई भी नहीं रहेगा। तो देश सबसे बड़ा होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। देश के लिए मैं तो कहता हूं, देश से बड़ा कानून भी नहीं होता, कानून भी तो देश हित में उनको